हेलो फ्रेंड्स तो आगे हम एक बार फिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आज की हमारी इस वीडियो का नाम है टस्क जो कि 2014 में रिलीज़ हुई थी ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी है जिसे केविन स्मिथ ने डायरेक्ट किया है और इसका एम रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं हमारे वीडियो की ओर शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जो कि एक पॉडकास्ट शो चलाते हैं जिनका नाम था ब्राइटन और टेडी ये दोनों इंटरनेट पर अपलोड होने वाले फ़नी और अजीबोगरीब वीडियोस का पॉडकास्ट बनाते हैं और ब्राइटन वायरल हो रहे उन वीडियोस के अपलोडर का इंटरव्यू लेने जाया करता था फिर वो दोनों इंटरनेट पर एक वीडियो देखते हैं जिसमें एक लड़का अपनी तलवारबाजी के चलते अपने ही पैर तलवार से काट लेता है और ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल होता है जिसे देखने के बाद में ब्राइटन और टेडी उस वीडियो का अपने शो पर बहुत मजाक उड़ाते हैं और फिर वो दोनों अपने शो पर ही अनाउंस करते हैं कि ब्राइटन उस लड़के का इंटरव्यू लेने उसके पास जाएगा जो कि कनाडा में रहता था और ब्राइटन और टेडी अमेरिका में फिर कुछ दिनों के बाद में ब्राइटन कनेडा के लिए निकल जाता है और कनेडा पहुँच ब्राइटन एक कार को रेंट पर लेता है और फिर वो इंटरनेट वीडियो वाले लड़के के घर पर जाता है लेकिन उसे वहाँ पर यह पता चलता है कि उस लड़के ने सुसाइड कर लिया है यानी कि ब्राइटन अब उसका इंटरव्यू नहीं ले सकता ब्राइटन बहुत ही ज़्यादा निराश होता है क्योंकि वो अमेरिका से कैनेडा सिर्फ उसका इंटरव्यू लेने ही आया था जिसके बाद में ब्राइटन शाम को एक बार में जाता है और वो वहाँ से टेडी को कॉल करके ये सब बताता है कि वो लड़का अब नहीं रहा और उनके पॉडकास्ट के लिए अब कुछ भी कंटेंट नहीं है ब्राइटन का इतनी दूर आना बेकार रहा फिर ब्राइटन वॉशरूम में जाता है जहाँ पर उसे एक हैंड रिटर्न लेटर मिलता है जिसमें हॉवर्ड नाम के आदमी ने यह लिखा हुआ था कि उसके पास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं जो कि उसके साथ में एक समुद्री सफ़र के दौरान घटी थी उस लेटर में उस आदमी का एड्रेस और फोन नंबर लिखा हुआ था जिसे देखने के बाद में ब्रैटन वहाँ के लिए तुरंत निकल जाता है लेकिन वो वहाँ जाने से पहले एक स्टोर में जाकर कोल्ड ड्रिंक लेता है और वो उस लेटर वाले आदमी को कॉल करता है जिसका नाम हॉवर्ड था हॉवर्ड ब्राइटन को अपने घर पर रुकने के लिए और कई एडवेंचरस कहानियाँ सुनाने के लिए कहता है जो कि उसके साथ में उस समुद्री सफ़र के दौरान बीती थी, थी और फिर ब्राइटन कई किलोमीटर का सफर तय करके हॉवर्ड के घर पर पहुँच जाता है जिसके बाद में ब्राइटन की मुलाकात हॉवर्ड से होती है जो कि एक बूढ़ा आदमी था और वो अपने व्हील पर बैठा हुआ था हॉवर्ड ब्राइटन को चाय ऑफर करता है और वह चाय पीते पीते अपनी बातों को आगे बढ़ाता है ब्राइटन अपने इंट्रोडक्शन हॉवर्ड को कराते हुए उससे यह कहता है कि वो लोगों के इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनकर उन पर पोडकास्ट बनाता है और वो हॉवर्ड की एडवेंचरस कहानियों को अपने शो पर पोडकास्ट करेगा और फिर हॉवर्ड ब्राइटन को अपनी कहानियाँ सुनाने लगता है कि वो एक पानी वाले जहाज़ पर कुक का काम करता था और वहाँ पर उसके साथ में क्या क्या हुआ करता था कि किस तरह से उसका जहाज़ डूबा और वो एक आइलैंड पर जाकर फंस गया हॉवर्ड जब उस आइलैंड पर फंसा हुआ था तो वहाँ पर उसके लिए ना खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए और हॉवर्ड को उस साइलेंट से एक वॉलरस नाम के जानवर ने बचाया जो कि बर्फीले समुद्र में रहने वाला एक जीव था जिसे सीलाइन भी कहा जाता है लेकिन ब्राइटन को हॉवर्ड की स्टोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसे हॉवर्ड की कहानियाँ बस बोरिंग लग रही थी और हॉवर्ड की कहानी सुनते सुनते ब्राइटन धीरे धीरे बेहोश हो जाता है क्योंकि हॉवर्ड ने उसके चाय में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था जिसके बाद फ्लैशबैक में ब्राइटन और उसकी गर्लफ्रेंड के पलों को दिखाते हैं जब ब्राइटन कैनेडा के लिए निकलने वाला था ब्राइटन और उसकी गर्लफ्रेंड के रिश्ते ठीक नहीं थे क्योंकि ब्राइटन अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देता था एली के अनुसार ब्राइटन अब उसके काम में ज़्यादा व्यस्त रहता था और वो पहले जैसा ब्राइटन नहीं था जो कि एली से बहुत प्यार किया करता था फिर जब ब्राइटन की आँख खुलती है तो वह एक व्हील पर था उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा कमजोरी थी ब्रैटन हावर्ड से पूछता है कि उसे आखिरकार क्या हुआ है जिस पर हावर्ड उसे बताता है कि उसे एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया है ब्रैटन को अपने पैर भी महसूस नहीं होते हैं और वह ये देखता है कि उसका एक पैर कटा हुआ है हॉवर्ड ब्राइटन को यह कन्विंस करता है कि डॉक्टर ने उसकी जान बचाने के लिए उसका पैर काटा है क्योंकि वो मकड़ी बहुत ही ज़्यादा जहरीली थी और उसका जहर पूरे शरीर में फैलने वाला था डॉक्टर ने ब्राइटन का मोबाइल और बाकी की चीज़ें उससे दूर कर दी थी ताकि उसे बस आराम मिले और उससे कोई परेशानी ना हो फिर शाम के समय हॉवर्ड और ब्राइटन खाने की टेबल पर होते हैं लेकिन ब्राइटन कुछ भी खा नहीं पा रहा था क्योंकि अब उसके हाथ भी काम नहीं कर रहे थे वो हॉवर्ड से पूछता है कि उसने उसके साथ क्या किया है जिस पर हॉवर्ड उसे बस यही कहता है कि उसे एक जहरीली मकड़ी ने काटा है फिर धीरे धीरे हॉवर्ड अपना असली रूप दिखाने लगता है और वो आगे उससे ये कहता है कि वो एक वॉलरस का सूट बना रहा है जो कि वही जीव था जो समुद्र में उसे मिला था हॉवर्ड ब्राइटन को ये बताता है कि वो वॉलरस उसका वहाँ पर दोस्त बन चुका था और उसने उसका नाम मिस्टर टस्क रखा था और हॉवर्ड अब ये चाहता था कि वो एक ऐसा सूट बनाए जो कि बिल्कुल मिस्टर टस्क जैसा दिखाई दे हॉवर्ड ब्राइटन को उस सूट में फिट करेगा जिसके चलते उसे हॉवर्ड के शरीर में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे वो ब्राइटन को बिल्कुल उसी जानवर जैसा बनाना चाहता था जो कि बात नहीं करते और ना ही बोलते हैं जिसे सुनने के बाद में ब्राइटन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जोर ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था अब अगले सीन में हम ब्राइटन की गर्लफ्रेंड एली को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी क्योंकि एली को ब्राइटन से प्यार के बदले में कुछ नहीं मिला और एली किसी और मर्द के साथ में थी जो कि उसकी इस कंडीशन का फ़ायदा उठा रहा था उसकी हेल्प करने के बहाने और ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि ब्रैटन का बेस्ट फ्रेंड टेडी ही होता है ब्राइटन को जैसे तैसे हॉवर्ट के घर में अपना फ़ोन मिल जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड एली को फ़ोन करता है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती और ब्राइटन अपना वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिसके बाद में वो टेडी को फ़ोन करता है और वो भी फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि टेडी तो एली के साथ में था जिसके बाद में ब्राइटन पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करता है लेकिन तब तक हॉवर्ड वहाँ पर पहुँच जाता है और वो ब्राइटन को मारकर उसे बेहोश कर देता है अब अगले दिन एली को ब्राइटन का वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो ये बताता है कि वो एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और वो अपनी लोकेशन भी उसे बता देता है लेकिन अब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर हॉवर्ड ने ब्राइटन को वर्ल्ड में बदलने का काम चालू कर दिया था हॉवर्ड ने ब्राइटन के पैरों को घुटने से काट कर अलग कर दिया था और उसके हाथों को शरीर से जोड़ दिया था हॉवर्ड अपने इस ऑपरेशन के दौरान में ब्राइटन को ये बताता है कि जब वो छोटा था तो उससे बचपन में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था उसे कभी भी खुशी नहीं मिली फिर जब वो बड़ा हुआ तो उसे एक शिप पर काम करने का मौका मिला लेकिन वहाँ पर भी उसके साथ में कई बार रेप हुआ और फिर एक दिन समंदर में तेज़ तूफान आया जिसमें वो जहाज़ डूब गया और उसके अंदर के लोग भी लेकिन हॉवर्ड जैसे तैसे एक आइलैंड पर जा पहुंचा और वो वहां पर फंस गया वो वहां पर कई दिनों तक भूखा और प्यासा रहा और जब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने किनारे पर आए हुए एक वॉलरस को पकड़ा और उसे कई दिनों तक खाकर वो वहाँ पर जिंदा रहा हॉवर्ड ने उस जानवर का नाम उसके बड़े दांतों के कारण मिस्टर टस्क रखा था और उसे इस बात का बहुत ज़्यादा गेड था कि उसने अपनी जान बचाने के लिए उस बेचारे जीव को मार दिया और अब हॉवर्ड मिस्टर टस्क की याद में लोगों को मिस्टर टस्क में बदलना चाहता है और अब वो ब्राइटन को उस जीव में बदल चुका था एली और टेडी ब्राइटन को ढूंढने के लिए कनाडा पहुंचते हैं लेकिन उन्हें यहां पर पुलिस से कोई भी सहायता नहीं मिलती वो बस उसका नाम मिसिंग पीपल में डालकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं फिर हमें देखते हैं कि हॉवर्ड ब्राइटन को एक बड़े से पूल में रखता था क्योंकि वॉलरस पानी में रहते थे और वो तैरना बहुत अच्छे से जानते थे लेकिन ब्राइटन अपनी इस हालत के कारण पानी में तैर नहीं सकता था और हॉवर्ड उसे ज़बरदस्ती पानी में डाल देता है ब्राइटन जब पानी के अंदर डूबता है तो पानी के अंदर कई सारे लोगों के कंकाल देखता है जिसे हॉवर्ड ने मिस्टर टस्क या फिर वॉलरस में बदला था एलियो टेडी को एक लोकल डिटेक्टिव मिलता है जो कि थोड़ा अजीब आदमी था लेकिन उसे शायद पता था कि ब्रैटन के साथ में क्या हुआ होगा वो डिटेक्टिव उस सीरियल किलर यानी कि हॉवर्ड का पीछा पिछले पाँच सालों से कर रहा है और वो एलियो टेडी को ये बताता है कि उस सीरियल किलर के द्वारा मरे हुए लोग बहुत ही बुरी हालत में होते हैं उनके पैर घुटनों से कटे होते हैं और उनके हाथ शरीर में जुड़े हुए होते हैं वो सीरियल किलर अभी तक तेईस लोगों को मार चुका था और सब में कॉमन बात यह थी कि उनके मुंह में दो बड़े बड़े छेद पाए गए हैं और इन बड़े बड़े छेदों में कुछ छोटे छोटे टुकड़े पैर की हड्डियों के मिले यानी कि हॉवर्ड वॉलरस के दोनों दांतों को विक्टिम के पैर की हड्डी से बनाता था और ब्राइटन को मिलाकर अब हॉवर्ड टोटल चौबीस लोगों को वॉलस में बदल चुका था हॉवर्ड एक बहुत ही दरिंदा सीरियल किलर था वो अपने विक्टिम की जुबान निकाल लेता था ताकि वो बोल ना पाए और लोगों ने इस सीरियल किलर का नाम रखा था द फर्स्ट वाइफ यहाँ पर हॉवर्ड ब्राइटन के पास बैठा हुआ होता है और वो अपने पुराने पलों को याद करता है जिसके बाद में हॉवर्ड जाते समय उसे खाने के लिए एक मछली देकर चला जाता है जो कि वॉल खाया करते थे ब्राइटन उस मछली को खाना तो नहीं चाहता था क्योंकि वो एक इंसान था लेकिन अधिक ज़्यादा भूखा होने के कारण वो उस मछली को कच्चा ही खा लेता है डिटेक्टिव ब्रैटन की लोकेशन और उसके आदतों से एक स्टोर पर पहुंचता है जहां से उन्हें हॉवर्ड का एड्रेस मिलता है और वो पूरी तैयारी के साथ में हॉवर्ड के घर के लिए निकल जाते हैं और फिर हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हॉवर्ड ब्रैटन को धीरे धीरे तैरना सिखा रहा था और फिर वो खुद वर्डरस का सूट पहनता है और ब्रैटन से लड़ने को कहता है क्योंकि हॉवर्ड को मिस्टर टस्क को मारने का गिल्ट अभी तक था जिसके बाद में दोनों में काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है और फिर ब्राइटन अपने नुकीले दांतों से हॉवर्ड को मार डालता है और जब एलियो डिटेक्टिव ब्राइटन के पास पूछते हैं तो ब्राइटन हॉवर्ड को मार चुका था सभी ब्राइटन की इस हालत को देखकर कर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और फिर डिटेक्टिव ब्राइटन को इस जानवरों जैसी ज़िंदगी से छुटकारा दिलाने के लिए उस पर अपनी बंदूक तांगता है और बस गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी यह सीन यहीं पर कट हो जाता है फिर हम ये देखते हैं कि एक साल के बाद में एली टेडी के साथ में जंगलों में जाती है जहाँ पर ब्राइटन को रखा गया था एली ब्राइटन के लिए मछली लेकर आती है जिससे कि वो अपने घर से बाहर आता है और फिर एली उसे अपनी पुरानी बात याद दिलाती है कि उसकी ग्रैंडमा उससे कहा करती थी कि आंसू बहाना अच्छा होता है क्योंकि यही इंसान को जानवर से अलग करते हैं जिसके बाद में एली टेडी के साथ में वहाँ से चली जाती है और ब्राइटन को आई लव यू कहती है जिसे सुनने के बाद में ब्राइटन रोने लगता है और वापस से छुप जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है तो दोस्तों ये मूवी एक ऐसे सिरफिर व्यक्ति की कहानी है जिसका बचपन बहुत ही ख़राब बिता उसका कई तरह से शोषण हुआ और फिर जब वो एक आइलैंड पर जाकर फंसा तो वहाँ पर उसका एक जानवर दोस्त बना और फिर जब उस आइलैंड पर खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा तो उसने उसी जानवर को मारकर कई दिनों तक खाया जिससे कि उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गिल्ट भर गया और अब वो दूसरे लोगों को उनके शरीर के साथ में खिलवाड़ करके उन्हें मिस्टर टस्क में बदलता था और यहीं पर ब्राइटन भी फंस गया वो कैनेडा किसी और का इंटरव्यू करने आया था लेकिन हॉवर्ड की चपेट में आ गया तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियोज़ जल्दी आने वाले हैं